कि जो भी लोग आएंगे यहाँ पे सबको एक एक गणपति बप्पा। अल्लाह ये क्या है? अरे बाप रे बाप, ये एक पेड़ का पौधा है दोस्तों, आप देख सकते हो। लेकिन इसका एक कहानी है, इसके पीछे एक यूनिक रीजन है, तो आप लोगों को मैं अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमें वीडियो शुरू से शुरू करना है। वीडियो शुरू करने से पहले इसे कहीं पे रख देता हूँ, कहाँ रखूँ यहाँ पे रख देता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल आफ्ताब अनाया व्लॉग्स। दोस्तों कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोगों को ले जाऊंगा एक शादी पे, जो कि मेरे एक दोस्त की ही शादी है, और वो शादी बहुत यूनिक होने वाला है। तो आप लोगों को मैं वहाँ पे पहले लेके चलता हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगा वहाँ पे हो क्या रहा है। शादी हो रहा है कृष्णई में, जो ग्वालपरा से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं शादी पे, और आप देख सकते हो ये मेरा छोटा भाई। अच्छा लग रहा है शादी पे आके, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और ये हम लोग देख सकते हो एक छोटा मोटा गिफ्ट भी ले लिया है। तो हम लोग अभी जाएंगे अंदर, देखेंगे क्या होता है, और ये यूनिक शादी क्यों है आप लोगों को मालूम पड़ेगा अभी। देखो यहाँ पे कौन मिला, अरे दीपक भाई, मुझे मिला दीपक भाई। क्या खबर है आपका? बढ़िया, क्या आए थे आप लोग थोड़ी देर पहले? ओ ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, क्या हुआ बोलो, यहाँ पे देख के बोलो क्या हुआ। देखो देखो, हेलो भाभी जी, कैसे हैं आप? ठीक है। तो भाई और भाभी जा रहे हैं, तो हम लोग अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अंदर पहुंचने से पहले हमें कुछ अलग देखने को मिला। ये देख सकते हो आप, गणेश भगवान की मूर्ति कितनी खूबसूरत तरीके से रखा गया है, देखा आप लोगों ने? गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ये मेरा छोटा भाई और मेरा दोस्त नूर, कैसे हो नूर? चले अंदर चलते हैं दोस्तों, और अभी देखते हैं कहाँ पे हिमंत, कहाँ पे? हाउ आर यू? ये मेरा दोस्त हिमंत। देखिए हिमंत बोलने से सिर्फ हिमंत विश्व शर्मा ही नहीं होता है, हिमंत कुमार नाथ भी होता है। और ये मेरा दोस्त हिमंत कुमार नाथ, जिस जो आज बकरा बनने वाला है मतलब। और ये भाभी जी, अभी तक हेलो, कैसे हो आप? ये तो आप लोगों को एक यूनिक बात बोला था कि यहाँ पे शादी पे एक यूनिक बात होने वाला है, वो है कि जो भी लोग आएंगे यहाँ पे सबको एक एक पेड़ का पौधा दे रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए सोचते हुए। निमंता ये बहुत ही यूनिक बात है, और ये देख के जो जेकी श्रॉफ जी है वो बहुत पसंद होंगे निमंत से। निमंत बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, जरूरी है। और तुमने क्या क्या सोच के किया था? एक्चुअली अभी हर कोई पेड़ काटने पे तुला हुआ है। हर जगह पे जाता हूँ, सड़कें बन रही है, पेड़ कट रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना शादी में, ऐसे तो मिलता नहीं है कोई चांस, तो मैंने सोचा कि शादी में एक ऐसा किया जाए कि लोग जितने आएंगे उनको एक मैसेज दिया जाए कि पेड़ लगाना चाहिए। कमल का सोच, एक सिंपल सा स्टेप है, अब आगे भी कोई अगर मुझे देख के करता है तो मैं खुश होऊंगा। ये कोई सिंपल स्टेप नहीं है, बहुत बड़ा स्टेप है, और ये हर इंसान को करना चाहिए, क्योंकि एक एक पेड़ का कीमत कितना होता है धीरे धीरे सबको मालूम पड़ेगा, क्योंकि एनवायरमेंट को बचाना हम लोगों के हाथों में है, और हम लोगों को ही बचाना है। तो हमारे वीडियो कैसे जुड़े रहेगा दोस्तों? यूट्यूबर हो गई पूरा ना कि थोड़ा थोड़ा यूट्यूबर हो रहा हूँ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूबर बनने की। हिंदी चैनल? अच्छा अच्छा अच्छा, तो भी ठीक है ना। नहीं यार, फ्रेंड का ही शादी है, आके अच्छा ही लगा, डेकोरेशन भी बहुत अच्छा हुआ। इसका नाम है, क्या नाम है? रूपक कुमार डेका। रूपक कुमार डेका मेरा दोस्त है, हम लोग एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। डेकोरेशन तो काफी कमाल का हुआ है, लेकिन ये बैकग्राउंड जो म्यूजिक चल रहा है ना, उसके वजह से थोड़ा कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ सकता है। टेंशन हो रहा है कॉपीराइट प्रॉब्लम के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे पौधे, ये सब लोगों को गिफ्ट करने वाला है हिमंता। और ये शादी थोड़ा मैं अलग देख रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं किसी को भी ऐसा करते हुए नहीं देखा, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। अभी थोड़ा कॉफी पी लेते हैं, और क्योंकि खाना खाने में थोड़ा टाइम है। और ये सब आप देख सकते हो हाथों में कैसे पौधे लिए खड़े, देख के थोड़ा अलग लग रहा है दोस्तों। तो खाने के लिए हमें बुला ही लिया है, तो पहले खा लेते हैं, बाद में देखते हैं क्या होता है।
अरे यार बहुत पुराने दोस्त मिल रहे हैं यार ध्रुवा, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। मजा आया देख के यार, बहुत मजा आया। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो लड़कियों को, मतलब यूजुअली हम लोग कैटरिंग में लड़कों को देखते हैं, पर यहाँ पे लड़कियों को देख के बहुत ही अच्छा लगा। तो फाइनली हमारा खाना हो गया और उसके बाद हमें दिखा डांस। बहुत सारे लोग डीजे पे डांस कर रहे थे, लेकिन उसमें और एक यूनिक चीज देखने को मिला। और ये देख सकते हो आप दुल्हन की नजर डांस करते हुए लोगों पर, मतलब दुल्हन भी शायद अंदर ही अंदर डांस के बारे में सोच रहा था पर क्या करे, मजबूरी है, नहीं कर सकता फाइनली हम लोग शादी से निकल चुके हैं, पर इस वीडियो में शायद कॉपीराइट आएगा ही आएगा, क्योंकि इतना तेज डीजे चल रहा था उसके बीच में, मतलब मैं कितना म्यूट करूं भी तो कितना म्यूट करूं। दोस्तों आप लोगों को मालूम पड़ ही गया होगा कि ये शादी क्यों इतना यूनिक थी। आज हिमंता ने जो मतलब पेड़ का पौधा दिया है वही चीज इस शादी को भी यूनिक बनाया है, तो इसीलिए मैं आज इस शादी में गया था और वो चीज आप लोगों को दिखाया था कि वो देखने के बाद बहुत लोग के दिल में ऐसा हो सकता है कि हाँ पेड़ पौधे लगाना कितने इंपॉर्टेंट है हमारे एनवायरमेंट के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। इस पौधे को मैं एक सही जगह देख के लगाने वाला हूँ और आप लोग भी जितना हो पाए पौधे लगाने की कोशिश कीजिए अपने घरों में या अपने आसपास, जितना हो पाए पौधे लगाओ, पर्यावरण बचाओ।